ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 26 जनवरी 2020, रविवार का दिन है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। धनिष्ठा नामक नक्षत्र मकर राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे तथा शाम को 4:53 से पंचक शुरू होंगे जो कि लगातार 5 दिनों तक रहेंगे। दिशाशूल जो कि पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुकाल जो कि शाम को 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मकर राशि में, चंद्र मकर राशि में, मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में, बुध मकर राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनिदेव जो कि मकर राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह और तुला, ये 5 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा की भी इनको प्राप्ति होने वाली है। कार्य क्षेत्र में एक नई ऊंचाई इनको मिल सकती है। यदि बेरोजगार है तो रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे या नई खुशियां इनको प्राप्त होने वाली है। कहीं पर घूमने जाने का अवसर भी इनको मिलेगा और दिन इनके लिए शुभ साबित होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल तथा उनको करने वाले उपाय एवं भाग्यशाली अंक बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दिन आपके लिए अच्छा है। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे समाज में मान सम्मान मिलेगा। कारोबार में आर्थिक लाभ के प्रबल योग है। सामाजिक कार्यों में आपको यश मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में आपका प्रभाव तथा बढ़ोतरी होने वाली है। बुजुर्गों की सलाह लेकर काम करेंगे तो सफलता के साथ ज़्यादा अवसर आपको मिल सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा और उपाय के रूप में यदि आप लाल रंग की मिठाई भैरव जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। मित्रों तथा सहयोगियों का भरपूर सपोर्ट आपको मिलने वाला है। परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख और धन में बढ़ोतरी होगी। समाज के कार्यों में उत्साह पूर्वक आप भाग लेंगे। शरीर में अधिक ऊर्जा रहने के कारण आप अपने सभी रुके हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में प्रेम बना रहेगा। पूरे दिन भाग दौड़ रहेगी। वाद विवाद और झगड़ों के चलते मानसिक तनाव आपको उत्पन्न हो सकता है और उपाय के रूप में यदि आप देवी जी के मंदिर में पीले रंग की मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। समाज के कार्यों में आज आप उत्साह के साथ भाग लेंगे। धन संबंधित कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। मानसिक शांति की तलाश में आध्यात्म से जुड़ने का अवसर आपको मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। दैनिक कार्यों से समय निकालकर पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में शामिल आप हो सकते हैं, जैसे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आकस्मिक धन लाभ का योग है, लेकिन अनावश्यक खर्च से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होने वाली है तथा मित्रों के माध्यम से कोई नया काम आपका शुरू हो सकता है और उपाय के रूप में यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में कच्चा दूध और बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं। नए लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा। जमीन जायदाद संबंधी मामले आपके निपट जाएंगे। परिवार के सदस्यों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। बाहर घूमने जाने का अवसर मिलेगा। परिश्रम से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। बिगड़े हुए काम भी आपके बन सकते हैं। दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत मन मुटाव हो सकता है। प्रेमीजन से आपसी जो है आपके जो वैचारिक मतभेद चल रहे हैं वह लगभग समाप्त हो जाएंगे और उपाय के रूप में यदि आप दुर्वा गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। जैसा आप काम करेंगे उसी तरह आपको परिणाम प्राप्त होंगे। कठिन परिश्रम से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ का योग है। सोच समझकर लिए गए निर्णय लाभदायक रहेंगे और योजना भी आपकी सफल होगी। नवीन वस्त्राभूषण या स्थायी संपत्ति की आपको प्राप्ति होने वाली है। हल्के विषयों की पढ़ाई में आपका मन लगेगा। छात्रों को अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों की अनदेखी न करें। मनचाही समस्याएं जो आपकी अभी तक चल रही है उनमें आपको मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप एक गुलाब का फूल देवी जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। भविष्य के लिए योजना आप बना सकते हैं जो आगे के लिए शुभ फलदायक रहेगी। कार्यक्षेत्र में कठिन परिश्रम से कार्यों में सफलता मिलेगी और उत्साह रहेगा। पारिवारिक समस्याओं का निराकरण होगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। अपनी रचनात्मक गतिविधि से आप कई लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। आर्थिक योजना आपके पक्ष में रहेगी और भाग दौड़ हो सकती है। आकस्मिक यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी। और उपाय के रूप में एक नारियल यदि आप भैरव जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। दिन आपके लिए सफलदायी रहेगा। नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। धार्मिक सामाजिक या राजनीतिक कार्य से आपकी यात्रा होने वाली है। रचनात्मक कार्य के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और अवसर का लाभ नए तरीके से उठाने में आप सफल रहेंगे। विद्यार्थी मौज मस्ती करेंगे और पढ़ाई में जो मेहनत की है उसका परिणाम उनके पक्ष में मिलेगा। मतभेद यदि चल रहे हैं तो वो दूर हो जाएंगे और आपके प्रेम जीवन में बाहर आ सकती है। जरूरत जितनी होगी उतना ही आपको लोगों का सपोर्ट भी मिल जाएगा और कार्यक्षेत्र में एक नयापन आपको महसूस होगा। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को गेहूं या आटे का दान करेंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आराम करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा और कामकाज के नजरिए से आज दिन वाकई आपके लिए सुचारू रूप से चलेगा। परिवार के सदस्य कई चीज़ों की मांग कर सकते हैं जिस पर आपको जो है विचार करने की आवश्यकता होगी। व्यापार को विकसित करने के लिए नई योजनाएं आप तैयार करेंगे। व्यापार में नवीनता और प्रगति आपको दिखाई देगी। और उपाय के रूप में यदि आप कच्चा दूध किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर देंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आप जो भी प्राप्त करेंगे वह आपके लिए बहुत बढ़त दिलाने वाला साबित होगा। कार्यक्षेत्र में एक नई शुरुआत का दिन रहेगा। सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य करने के लिए दिन अच्छा है। गैर जरूरी चीज़ों पर आप रुपया खर्च कर अपने जीवन साथी को नाराज कर सकते हैं। आज ऐसी कई चीज़ें होगी जिनकी तरफ तुरंत गौर करने की आवश्यकता होगी। और कामकाज में ज़्यादा तनाव के चलते परिवार की जरूरतों और इच्छाओं को दरकिनार न करें। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में पीले रंग का कोई भी फल चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। दिन आपके लिए बहुत शुभ है। स्थायी संपत्ति खरीदने का विचार बना सकते हैं। कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारेंगे। आध्यात्मिक तौर पर आप ज़्यादा जो है ऊर्जावान रहेंगे और खुद में एक नई शक्ति का महसूस करेंगे। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे। राजनीतिक कार्य में भी आप बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ेंगे। और यदि आप कारोबार में हैं तो आपको एक नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगा देंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। सरकारी काम आसानी से निपट जाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, समय अच्छा है। सोच समझ कर किए गए कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में यदि आप एक सफ़ेद रंग का फूल शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा।
अब हम बात करते हैं मीन राशि की। दिन बहुत शुभ फलदायी है। व्यापार में आपको आनंद आएगा। वस्त्राभूषणों की खरीदी के लिए आप जो है तैयार रहेंगे। कला के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। घर की साज सजावट हो सकती है। वाहन सुख आपको प्राप्त होगा। मनोरंजन का अवसर भी मिलेगा। यात्रा पर आप जा सकते हैं और यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। और उपाय के रूप में यदि आप पीला चंदन देवी जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।